भारत के पहले पहलवान बजरंग पुनिया, जिन्होंने शुरुआत कर दी है राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती में। और ये देखिए, जब शुरुआत अच्छी है, लेकिन कहते ना अंत भला तो सब भला। बिल्कुल, अगर शुरुआत जबरदस्त होगी तो ये मानकर चलिए कि यकीनी तौर पर अंत भी भला होगा, आगाज भला होना चाहिए। बजरंग पुनिया का पहला बाउट, नाउरू के पहलवान है बिंघम, जो कि इससे पहले अगर आप देखें तो ओशियनिया चैंपियनशिप में ज्यादातर उनके मेडल्स हैं 2019, 2018, 17, 15, लेकिन इसके अलावा किसी बड़े टूर्नामेंट में कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि इनके नाम नहीं। बिल्कुल सही कहा संजय, अभी हालांकि बजरंग पुनिया के सामने इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन एक मिनट समाप्त होने को आया है, अभी कोई भी अंक अर्जित नहीं किया बजरंग पुनिया ने। और यही बड़े पहलवान की निशानी है, इस बार उन्होंने खेमे टेक्निक किया था गर्दन मरोड़ कर, लेकिन विसिल हो जाती है। अगर रेफरी ने विसिल दे दी है तो उसके बाद कोई भी एक्शन वैलिड नहीं होगा, और वही पोजीशन दोबारा। बिल्कुल बढ़िया खेमा बांधा एक बार फिर बजरंग ने, देखिए गर्दन के पास दोनों हाथ हैं, इसे खेमा बांधना कहते हैं, लेकिन तुरंत वो खड़े हो गए, डिफेंस में आ गए, अच्छी बात है। एक दांव जो बजरंग का लग सकता था उसे अवॉइड करने की कोशिश की। ये फ्री स्टाइल कुश्ती है, यहाँ पर सब कुछ दांव पर लगा होता है। बजरंग पुनिया इस बार अच्छी पकड़ बनाई है, दो पॉइंट्स पहले ही बजरंग पुनिया के नाम, बढ़िया टेक डाउन किया उन्होंने, लीड ले ली है बजरंग ने। और ये सिंगल थाई पर अपने पैरों से क्या फीतले बांधेंगे, और दो अंक और लिया। ये एक टंगी टेक्निक है जिसे ईरानी टेक्निक कहते हैं, और मुझे लग रहा 3 मिनट समाप्त होने से पहले ही बजरंग पुनिया ने ये मुकाबला समाप्त कर दिया है चटपट के आधार पर। भारत की झोली में पहला मुकाबला जीत के रूप में उन्होंने पेश कर दिया है। बिल्कुल वक्त नहीं लगा बजरंग पुनिया को, मुकाबला शुरू हुआ और समाप्त हुआ, और जिसे आप कहते हैं चित्त कर देना, भारतीय कुश्ती की भाषा में वही चित्त कर दिया उन्होंने, और एक पहला मुकाबला बहुत आसानी के साथ जीता बजरंग पुनिया ने। ये इनका कॉन्फिडेंस बताता है, ये इनका फॉर्म बताता है। कृपा शंकर जी, मुझे लगता है कि बजरंग पुनिया इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में है, जो इंजरी की समस्या थी वो काफी हद